ऐसे अजगरों को पाला हुआ है जो आए दिन सिर्फ और सिर्फ नफरत उगलते हुए नजर आते हैं। नमस्कार आदाब, मैं खुशबू अख्तर और मुझे मेरी भाषा पर कोई माफी नहीं है और मुझे कोई अफसोस नहीं है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। साक्षी महाराज ने शाहीन बाग की उन महिलाओं और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा है कि वो लातों की भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगी। वहीं आज सुबह जब भारतीय जनता पार्टी ने शाहीन बाग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने शाहीन बाग की बेटियों और महिलाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर संबोधित किया। सोचिए कितने विद्वान हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, सांसद जो आए दिन सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की बात करते रहते हैं। मैं अपनी बात रखूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए साक्षी महाराज का वो जहर जो कि उन्होंने शाहीन बाग की बेटियों के लिए उगला है। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने विवादित बयान दे दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि मुझे लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एक दिन आएगा जब बड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि 84 में सिखों की हत्या या कश्मीरी पंडितों के जबरन पलायन के बाद गांधी परिवार ने NHRC जाने की जहमत तक नहीं उठाई थी। मैं PM मोदी और शाह के धैर्य की तारीफ करता हूँ जो इतनी गाली गलौज के बाद भी चुप हैं। CAA पर BJP सांसद साक्षी महाराज पहले भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि पूरा देश आज नागरिकता कानून के पक्ष में है और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन मुट्ठी भर लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे ही लोग CAA का विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि साक्षी महाराज ने कांग्रेस के शंकर अय्यर को जवाब देते हुए कहा था, उन्हें कुर्बानी देने से किसने रोका है। मणिशंकर अय्यर शाहीन बाग में CAA के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उन्होंने कुर्बानी में शामिल होने की बात कही थी। यूपी के उन्नाव में BJP सांसद साक्षी महाराज JNU में हिंसा के लिए भी उन्होंने कहा था, JNU की नींव में ही कुछ समस्या है, यहाँ पर आस्तीन के सांप हैं जिनका इलाज होना जरूरी है। साक्षी महाराज का कहना है कि मेरा मानना है कि JNU की नींव में ही कोई समस्या है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूँ कि JNU जैसी घटनाएं नई नहीं होनी चाहिए। उससे पहले जामिया विश्वविद्यालय की में भी यही सब हो चुका है। तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट जिसमें साक्षी महाराज शाहीन बाग की बेटियों को लातों का भूत बता रहे हैं। वहीं जब JNU की बात आती है तो उनका साफ तौर पर कहना है JNU एक ऐसी समस्या है जिसका कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए। ये सिर्फ पहली बार नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उसके खिलाफ में बात करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग दिखाई देते हैं या फिर लातों के भूत दिखाई देते हैं। आपको याद होगा साक्षी महाराज वही हैं जिन्होंने सेंगर जैसे बलात्कारी का समर्थन किया था। साक्षी महाराज का एक वीडियो आपको यूट्यूब पर गूगल करके देखना चाहिए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रेप भंग करने जैसी एक योजना है, एक यातना है जिसमें वो रेप को भी जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। सोचिए कैसी सरकार को हमने चुना है जो कि JNU जैसी संस्था को बीमार संस्था और उसका काम तमाम होना चाहिए कहकर बात करते हैं। जो लोग इनके खिलाफ बात करते हैं उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से संबोधित करते हैं। जो महिलाएं CAA के खिलाफ बात कर रही हैं वो उन्हें लात घूसों के बराबर बात करते हुए नजर आते हैं। तो फिर वहीं अगर हम बात करते हैं केंद्र मंत्री की तो केंद्र मंत्री कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कि CAA का खिलाफ नहीं मोदी और शाह के खिलाफ है। ये सरकार बहुत बेहतरीन सरकार है, ऐसी सरकार भारत में लगातार चुनी जानी चाहिए जिससे समझ में आना चाहिए कि सत्यानाश किस तरह से पूरे एक ऐसे भारत का किया जा सकता है जिसमें संविधान के कोई मायने ना बचे हों, या फिर वो इतनी जोर लगा रही है जिससे संविधान के मायने जो कि
गांधी नेहरू और अंबेडकर के देश का है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। शुक्रिया।